कोटा जिले के मंडाना थाना क्षेत्र के नीमखेड़ी बक्शपुरा इलाके में दो भाइयों ने एक युवक पर फायर कर दिया और मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं सूचना पर पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वारदात के बारे में उन्होंने जानकारी ली। इस दौरान घायल युवक को इलाज के लिए कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के अनुसार युवक के पेट और सीने में गोली लगी है, उसका इलाज जारी है। बड़े भाई मुकेश ने बताया, गोविंद स्टोन फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। दोनों भाई फैक्ट्री से मजदूरी करके घर लौट रहे थे। घर पर पहुंचे ही थे कि गोविंद अपने काम में लग गया। अचानक बाहर से एक युवक आया, उसने आते ही 3-4 फायर किए और वहां से भाग खड़ा हुआ। कब की बात है, किसने मारा? कोई ऐसा मामला था जिसको लेके? हाँ। मारने वाले कौन थे? भाई। तो कोई लड़ाई थी क्या पहले से? पहले से लड़ाई नहीं था, एक चोरे लेर चल गए थे, फिर माँ बाप ने लार मारी, पर ना दी, 2 साल से माँ घर नहीं रह रही। मंडाना पुलिस ने बताया कि गोविंद चारण की 1.5 साल पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी के मामा के लड़के कालू और ईश्वर झालावाड़ जिले के असनावर इलाके में रहते हैं, जिससे उसकी अनबन चल रही थी। गोविंद अपने घर में खड़ा था, उसी समय कालू और ईश्वर ने आकर फायर कर दिया। युवक के 2 गोली लगी है। फायरिंग के आरोपियों को राउंड अप किया है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की बात सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।